भजन के साथ, कीर्तन के साथ हम व्यायाम करते हैं। लंबे लंबे श्वास, चारों ओर खेतों में अलग अलग प्रकार के पुष्प, अलग अलग प्रकार की फसलें, और उनसे जो हमें सामर्थ्य मिलता है, उनसे हमें जो समृद्धि मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, उसका यज्ञ में आधान करके इस फाल्गुनी नवसशेष्टि का लंबे लंबे श्वास, जैसा कि वैदिक सनातन परंपरा में हमारे पूर्वज होली मनाते हैं, वैसे हम होली मनाएंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। पहले योगिक जोगिंग, फिर सूर्य नमस्कार, और फिर अन्य व्यायामों का अभ्यास हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहजता पूर्वक, जिसका जितना सामर्थ्य है। मैं बार बार संकेत करता हूँ, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, पूरी सहजता से, एकाग्रता से, प्रसन्नता से। योगाभ्यास हमारा स्वभाव बन जाए, ये योगी का आध्यात्मिक वैदिक जीवन पद्धति हमारी जीवन पद्धति बन जाए। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से हम ये व्यायाम करवाते हैं, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब कोई इतना ही कर पाएगा, और कोई इतना कर पाएगा, पूरे बैठे जिसका जैसा सामर्थ्य। हम 100 साल तक युवा रहे, हमारा सामर्थ्य क्षीण ना हो, और क्षीण हो भी तो इतना हो कि हम बेबस लाचार ना, बीमार बनने का तो प्रश्न ही नहीं, सबका जीवन स्वस्थ हो, स्वावलंबी हो, समृद्ध हो, सुखी हो। का दिन
होली का दिन छा रहा।